एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मजूले प्रखंड क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत के पीपरपाती पुल के समीप तिरवा विकास संकर समिति पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण द्वारा जिला परिषद मोहम्मद जियाउद्दीन की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें तिरवा की समस्या बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जमींदारी बांध की मरम्मत पक्कीकरण तथा चौड़ीकरण करने की मांग की गई। अपने संबोधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि प्रस्तावित बांध निर्माण तिरवाह वासियों के लिए घातक है, जो कि आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। इसलिए संगठित होकर इस निर्माण पर रोक लगाने के लिए संघर्ष करें तथा सेमरा से डुमरी तक एक पैदल मार्च निकालकर जनता को जगाने का प्रयास करें। जब जनता जग जाएगी तो प्रस्तावित बांध रुक जाएगा। माली नेता सुनील कुमार राव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भारत भूषण दुबे ने कहा कि प्रस्तावित बांध इलाके के लिए विनाशकारी होगा। हम लोग इस इलाके के बचाव के लिए सड़क से सदन तक संगठित होकर संघर्ष करें, सफलता अवश्य ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि जमींदारी बांध की मरम्मत चौड़ीकरण तथा पक्कीकरण कराकर इलाके को बचाया जा सकता है। जिला पार्षद मोहम्मद जियाउद्दीन ने कहा कि जमींदारी बांध का स्थायी मरम्मत कराकर व पक्के ठोकर कर निर्माण कराकर तिरवा इलाके को बचाया जा सकता है। लगभग 50,000 से अधिक आबादी वाला तिरवाह क्षेत्र वर्षों से अपेक्षित रहा, जमींदारी बांध ही इस इलाके की रक्षा करते चला आ रहा है। उन्होंने प्रस्तावित बांध निर्माण को भावी पीढ़ी के लिए अत्यंत ही विनाशकारी बताया। समाजसेवी अली असगर एवं सरपंच पति फिरोज दीवान ने कहा कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है, हम सभी क्षेत्रवासी संगठित होकर संघर्ष करें तो सफलता अवश्य मिलेगी तथा प्रस्तावित बांध निर्माण बंद हो जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी की सर्वनाश होने से बचा जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर अनवारुल हक, अब्दुल बारी, मोहसिन हाफिज, शेखू जुगनू पिंटू, शेष चुन्नू, सुदर्शन यादव, मोहम्मद अफाक हक आदि उपस्थित थे। एनटीवी टाइम के लिए पश्चिम चंपारण से राजन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। विकास संघर्ष समिति द्वारा जो मीटिंग किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि सिकराना नदी जो है नेपाल के नदियों से जुड़ी हुई, जब नेपाल के समय से बारिश होती है तब बाढ़ आता है तो पूरा तिरवा के लोग सैलाब से गर्क हो जाते हैं और तबाही और बर्बादी बढ़ जाती है। खाने पीने में, पैखाना पेशाब में, सब में परेशानी उठानी पड़ती है। तो मुझे कहना है कि पुरानी बांध को मरम्मत किया जाए और हर गांव जहां कट रहा है वहां पर पक्की ठोकर बनाया जाए ताकि लोगों को कठिनाई। आपका परिचय सर? हमारा परिचय हुआ, मेरा घर हुआ पथना, मेरा नाम हुआ मोहम्मद असहद गद्दी बथना। थैंक यू सर। तिरवा विकास संघर्ष समिति द्वारा जो मीटिंग किया गया, इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य है जो बिहार सरकार के द्वारा जो नया प्रोजेक्ट पास हुआ है सरिस्मा से लेकर और भोगाड़ी तक, डुमरी तक, उसको हम लोगों को रोकने का काम करना है। संघर्ष जो है इसीलिए यहाँ संघर्ष के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वह बांध जब बनेगा, सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, तो कई हजार लोग उसके चपेट में, कई पंचायत के लोग उसके चपेट में आ जाएंगे, जिससे भारी क्षति आम जनता को होने जा रही है। इसके लिए हम पश्चिमी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यहाँ की जो है, सब लोग इस संघर्ष में आम जनता के साथ हम लोग साथ देंगे और जनहित में हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। इसको रोकने के लिए हम लोग बिहार सरकार को मजबूर करेंगे, रिटेन में देंगे। सांसद जो हमारे कांग्रेस के हैं, विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं, उनको उनके पास भी इस मामले को ले जाकर और संसद में, विधानसभा में आवाज़ को उठाएंगे और इस मामले को रोकने का काम हम लोग करेंगे जनता के हित में, जनहित। आपका परिचय? भारत भूषण दुबे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। संघर्ष समिति द्वारा जो बैठक की गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि
पुरानी बांध को मरम्मत किया जाए और पुरानी ठोकर को पक्की ठोकर का निर्माण किया जाए और जो नया बांध जो पास हुआ है उसको निरस्त किया जाए। इस मांग को लेकर आज तिरवा संघर्ष समिति का बैठक की गई है जिसमें हमारे तिरवा के महान योद्धा लोग बहुत सैकड़ों में आज लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि नया बांध को निरस्त करके पुरानी बांध को बांधा जाए और ठोकर को आपका परिचय। मेरा नाम अनिवार्य पिंटू हुआ, मैं जनसेवा जन मंडल उपाध्यक्ष। थैंक यू सर। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।